नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रीट लेवल 2 लेवल 1 दोनों की भर्तियां कोर्ट केस में अटकी हुई हैं और उनका कोई भी परिणाम सामने नहीं आ रहा। और ऐसे में जहां की रीट लेवल 2 की भर्ती को 28 फरवरी के लिए हियरिंग के लिए कर दिया गया है, कोर्ट केस की सुनवाई को 28 फरवरी कर दिया गया है, और उससे बड़ी एक ये बड़ी खबर आ रही है कि उस दिन भी सुनवाई नहीं होने वाली है। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कोई भी नया अपडेट आए। और आपको मैं बता दूं, अगर कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके बुक्स के लिंक्स हैं, तो आप वहां से भी बुक्स खरीद सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दिखा देता हूं जो कि आज के न्यूज़पेपर में छपी है। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि जो पेपर है रीट का वो लीक हुआ था। हां, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं अभी जल्दी। तो देखिए, यहां पे रीट में नकल गिरोह का मास्टरमाइंड शिक्षक पप्पू व दो अभ्यर्थी पुलिस गिरफ्त में, सरगना की तलाश। भास्कर ने 15 फरवरी को ही कर दिया था पूरे मामले का खुलासा। पुलिस ने 100 दिन बाद पप्पू को आरोपी माना। और देखिए नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है। पाली में जोधपुर मार्ग पर सेंट पॉल स्कूल के पीछे गत 11 फरवरी को रीट परीक्षा 2017 की परीक्षा के दौरान नकल कराने गिरोह का सरगना उदाराम विनोशवाई को पुलिस ने फरार घोषित कर दिया है। और मगर 100 दिन की तहकीकात के बाद पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड आरोपी शिक्षक पप्पू सिंह प्रजापत पुत्र केसाराम निवासी सालावास के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि घटना वाले दिन ही पुलिस ने पप्पू सिंह को लग्जरी कार में मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर व ब्लूटूथ के साथ पकड़ा था। उसकी उस समय शांति भंग के आरोपी में गिरफ्तार किया गया था। इन 100 दिन में पुलिस ने साइबर व तकनीकी तौर पर तहकीकात की और आरोपी के लैपटॉप व मोबाइल की साइबर एक्सपर्ट से जांच कराई। उसमें रीट परीक्षा का प्रश्न पत्र और उसकी आंसर की मिली, जबकि आंसर की को उसने मोबाइल से व्हाट्सएप पर सरगना तक भेज दिया था। पुलिस ने इस बारे में राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग को भी नोटिस भेजा है, जिसका जवाब आरपीएससी ने 2 माह बाद दिया। आरपीएससी ने माना कि रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो सवाल थे उनका उत्तर पुलिस द्वारा जब्त फोटो कॉपी से ही हुबहू मिलते हुए हैं। मगर आरपीएस ने कहा है कि पुलिस द्वारा समय रहते कार्रवाई करने से पाली में नकलची नकल नहीं कर पाए। पुलिस ने संयुक्त टीमों ने छानबीन के बाद आरोपी पप्पू सिंह और उसके साथी चिलतवाना निवासी राजवीर उर्फ राजू विनोशाई, कृष्णा उर्फ कृष्णा राम विनोशाई तथा नकल कराने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल और लैपटॉप की जांच से सामने आया सच। 11 फरवरी 2018 को रीट परीक्षा में नकल कराने वाला आया था गिरोह। पुलिस साइबर तकनीक से आरोपी शिक्षक पप्पू सिंह प्रजापत के लैपटॉप और मोबाइल की जांच के बाद कड़ी से कड़ी जोर उनके दोनों साथी व नकल करने वाले दोनों अभ्यर्थियों को पकड़ा। 60 दिन बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना हूबहू था पेपर। पाली में पुलिस ने आरोपी शिक्षक के लैपटॉप की जांच में रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र के साथ आंसर की फ़ोटो जब्त की, जिसे पुलिस ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजा। 60 दिन बाद आरपीएस ने जवाब दिया कि आंसर की रीट के प्रश्न पत्र की हूबहू थी, लेकिन नकल नहीं हुई। सरगना उदाराम ने प्रत्येक अभ्यर्थी से किया 2.5 लाख में सौदा। पप्पू सिंह का हिस्सा 50,000 रुपये। देखिए, यहाँ पे उसने 2.5 लाख रुपये दे करके सौदा किया, और ऐसे लोगों स्टूडेंट्स को ख़रीदा जाता है। यहाँ पे साफ साफ आप इस न्यूज़ से देख सकते हैं कि कैसे खरीद फरोद होती है एग्ज़ाम्स की। 50,000 रुपये मिल रहे थे उसको, 2.5 लाख रुपये वो ले रहा था। गिरोह का सरगना जालोचार चितवाना निवासी उदाराम विश्नोई अब भी फरार है। उसने नकल कराने के बदले प्रति अभ्यर्थी से 2.5 लाख 50,000 रुपये से सौदा तय किया था। इस प्रश्न पत्र की आंसर की तैयारी करने वाले शिक्षक पप्पू सिंह को मिलने थे प्रति अभ्यर्थी 50,000 रुपये। तो देखिए क्या फ़ायदा हुआ इतने पैसे दे करके, वो खुद भी फंस गया और जिन विद्यार्थियों ने पैसे दिए थे वो भी फंस जाएंगे। और नुकसान किसका हुआ? ईमानदार विद्यार्थी जो कि मेहनत करके इस एग्ज़ाम को देने वाले थे, नुकसान तो उनका हुआ सरासर। और अब यहाँ पे नीचे और देखते हैं क्या लिखा है। पप्पू सिंह खुद भी 10वीं में पूरक 12वीं में ग्रेस के साथ पास होकर पटवारी और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्रदेश का टापर, अभी कॉलेज शिक्षण में चयनित। सालावार निवासी पप्पू सिंह पुत्र केसाराम प्रजापत वर्तमान में कंकानी की सरकारी स्कूल में सेकंड ग्रेड शिक्षक के पद पर तैनात है। वह 10वीं पूरक और 12वीं की ग्रेस मार्कों से पास हुआ था, निजी कॉलेज से किया था, लेकिन पटवार भर्ती परीक्षा 2008 में राज्य में प्रथम रहा। शिक्षक भर्ती परीक्षा
2008 में सातवां स्थान और द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2011 में प्रथम स्थान रहा। स्कूल की व्यक्ता परीक्षा भर्ती 2011 में इतिहास विषय में द्वितीय स्थान, कार्य सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2015 में इतिहास विषय में चयन। तो इसमें उसके बारे में जानकारी दी हुई है जिसने कि सारे आंसर की इसको सॉल्व करके आंसर नकल करवाने में मदद की थी। राजवीर ने कृष्ण को पप्पू पर नज़र रखने के लिए यहाँ पे एक घंटा पहले पप्पू सिंह तक पहुँचा पेपर। आंसर शीट की फोटोकॉपी निकलवाने के लिए पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार गत 11 फरवरी को रीट की परीक्षा से एक घंटे पहले ही गिरोह का स्वागत विश्नोई ने प्रश्न पत्र पप्पू सिंह के व्हाट्सएप पर भेज दिया। पत्नी पाली में सेंट पॉल स्कूल के पीछे आरोपी शिक्षक कार लैपटॉप ब्लूटूथ और प्रिंटर के साथ बैठा था। उसने पेपर की आंसर की तैयार कर सरगना को व्हाट्सएप पर भेज दी और अपने लैपटॉप में सेव कर प्रिंटर निकलवाने के लिए ही वाला था कि पुलिस ने निर्देश दे दी। उसके साथी चिलतवाना जलोवा निवासी राजवीर उर्फ राजू राम पुत्र भीमा राम व कृष्णा उर्फ किशन राम पुत्र धनोदय विनोशी मौके से भाग गए हैं। तो देखिए कैसे ये नकल फरोख हुई थी, और जैसा कि कोर्ट केस में केस चल रहा था, तारीख पे तारीख मिलती जा रही थी, 28 तारीख को फिर से इसकी सुनवाई होने वाली है, और इस सबूत के साथ अब ये नया पहलू सामने आ सकता है 28 तारीख को, और भर्ती कैंसिल भी की जा सकती है। अगर ये साबित हो गया कि हाँ नकल हुई थी तो भर्ती कैंसिल भी की जा सकती है, और ये बहुत ही बड़ा खबर है जो आपको हम पहले पहुँचा रहे हैं अपने चैनल पर। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है, और जो रीट लेवल 2 की भर्ती होने वाली सुनवाई होने वाली थी कोर्ट से, उससे दूसरी भी ये खबर आ रही है कि उस जो कि कोर्ट में के वो वकीलों ने वो किया हुआ है, धरने पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे एक नोटिस भेजा गया है जिसके अकॉर्डिंग अगर सरकार ने वकीलों की मांग नहीं सुनी तो वो 28 तारीख को भी कोर्ट में पेश नहीं होंगे, तो उस दिन भी सुनवाई नहीं होगी ऐसा कहा जा रहा है। और हम आपको बता दें कि जून में कोर्ट की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, तो यह टल सकती है महीने के लिए कोर्ट की छुट्टियों के बाद। तो आप ये मानिए कि रीट इस बार के रीट में कुछ नहीं होने वाला है, आप इस रीट के एग्ज़ाम को भूल जाइए और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए, जो भी आपको नए एग्ज़ाम देने हैं, बट रीट को आप भूल सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही घपेले में भर्ती जा चुकी है, बहुत ही बड़े घपला इसके पीछे साबित होने वाला है, और बहुत ही बड़ा असमंजस की शिकार होने वाली है पूरी भर्ती। तो सरासर खिलवाड़ हो रहा है आप लोगों के भविष्य के साथ, पूरा खिलवाड़ है स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर थी, और सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये पहुंच सके और उनको पता चल सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें बटन को, और इन नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि कोई भी नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। इस वीडियो में इतना ही, आप सभी लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत। अगर आप कोई नई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बुक्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं।